दोस्तों, जिन सब छात्रों का कॉलेज आउट ऑफ बिहार है, यानी कि बिहार से बाहर है, उन सब का ना तो फिजिकल वेरिफिकेशन अभी तक हुआ है, ना डिस्ट्रिक्ट मेकर, ना डिस्ट्रिक्ट चेकर, ना होम डिस्ट्रिक्ट। सिर्फ जो है इंस्टीट्यूशन से जो है एक्सेप्टेड कर लिया गया है, सिर्फ जो है कॉलेज से जो है उन सब का एक्सेप्ट किया गया है, और जो है फिजिकल वेरिफिकेशन अभी तक पेंडिंग बता रहा है। तो दोस्तों, उन सब छात्रों को क्या करना है वो आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग जो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि स्कॉलरशिप से रिलेटेड या फिर कोई भी वीडियो डालो तो उसका भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस पीडीएफ में यह है, जिस भी स्टेट में आपका कॉलेज है, यानी कि बिहार से बाहर जिस भी स्टेट में कॉलेज है, उन सब स्टेट का नाम दिया गया, और उनके यहाँ कौन वेरिफिकेशन के लिए गया है, कौन डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन के लिए गया है, वह जो है इसमें दिया गया है। दोस्तों, आउट ऑफ बिहार वाले के साथ होता क्या है, आप लोग तो जो है ऑनलाइन करने के बाद अपना डॉक्यूमेंट जो है कॉलेज में जमा कर दिए थे, तो उसके बाद जो है इंस्टीट्यूट से जो है आप लोग का एक्सेप्टेड कर दिया। उसके बाद होता क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बिहार से जो है एक टीम जाती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, ये नहीं है कि जो है जो आप लोग के डिस्ट्रिक्ट जिसमें डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट से टीम जाएगी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से टीम जाती है, और वह जो है जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करती है। क्या करती है, फिजिकल वेरिफिकेशन करती है, कॉलेज पहुँच के फिजिकल वेरिफिकेशन करती है। तो सो दोस्तों, बिहार से तो टीम जो है भेजा गया है, बट सरकारी ऑफिसर होने के कारण धीरे धीरे अपना काम कर रहा है, कोई मतलब अपना काम में जो है उतना जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है, धीरे धीरे जो है सभी का वेरिफिकेशन हो रहा तो है। आप लोग बोलिए कि आपको कैसे मालूम कि जो है टीम जाता है बिहार से, तो मैं दोस्तों उसके लिए आप लोग को एक नीचे में पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, उस पीडीएफ के लिंक पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो उसमें जो है सारे डिस्ट्रिक्ट का आ जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ किस प्रकार से आएगा। तो दोस्तों, इस पीडीएफ में दिया गया है कि आप लोग का जो है कौन से स्टेट में जो है आप लोग का जो है एडमिशन हुआ है, अगर आप लोग का आंध्र प्रदेश में या फिर अरुणाचल प्रदेश में, दोस्तों यह देख लेना है, यहाँ पर जो है जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका एडमिशन है उसका नाम दिया गया है, और दोस्तों जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि असम डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप लोग का वेरिफिकेशन टीम कहाँ से गया है, तो दोस्तों सिवान डिस्ट्रिक्ट से जो है आप लोग का वेरिफिकेशन टीम गया हुआ है। ऐसे करके ध्यान दीजिएगा, आप लोग को देख लेना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट मतलब कौन से स्टेट में आप लोग का कॉलेज है, यह देख लेना है। स्टेट जो है यहाँ पे स्टेट का नाम, अलॉटेड स्टेट का नाम यहाँ दिया गया, और डिस्ट्रिक्ट जैसे कि हरियाणा जो है, हरियाणा स्टेट का जो है काम दिया गया किसको, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट को, किसको दिया गया है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट को। उसमें से आप लोग यहाँ से यह भी चेक कर सकते हैं कि आप लोग का डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में जो है आप लोग का कॉलेज है। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले चेक कीजिएगा कि किस स्टेट में आप लोग का कॉलेज है, उसके बाद चेक कर लीजिएगा कि आप लोग का किस डिस्ट्रिक्ट, और टोटल स्टूडेंट मतलब उस डिस्ट्रिक्ट में टोटल कितने स्टूडेंट है, उनका जो है यहाँ पे जो है सारा चीज़ डाला गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग जो है अपने डिस्ट्रिक्ट का देख लीजिएगा, और देखिएगा कि कहाँ से टीम गई हुई है, और उनके बाद क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को अपने कॉलेज में जाके पता करना है, क्या पता करना है कि जो बिहार से कोई टीम, बताइएगा कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई टीम जो है जाँच करने के लिए आई थी या नहीं आई थी। अगर आप लोग का कॉलेज आई थी तब तो जो है अगर आप लोग का पेंडिंग बता रहा है तो आप लोग को कुछ नहीं किया जा सकता, बट अगर नहीं आई थी आप लोग का कॉलेज, तो दोस्तों आप लोग धैर्य रखिए, थोड़ा दिन इंतजार कीजिए, आप लोग के कॉलेज में जो है वो टीम जो है जल्दी पहुंचेगी, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट की टीम है, थोड़ा धीरे धीरे काम तो करती ही है। तो दोस्तों आप लोग को मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपने कॉलेज से पता कीजिए कि जो है आप लोग के कॉलेज में जो है टीम पहुंची थी या नहीं पहुंची थी। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया, अगर नीचे जो पीडीएफ का लिंक दिया है उस पीडीएफ के लिंक पर क्लिक करके देख लीजिए कि आप लोग के स्टेट में जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट का जो है एलोकेशन दिया गया है, यानी कि वेरिफिकेशन के लिए जो है दिया गया है। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।